दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा में एक बार फिर से रिश्ता कलंकित हुआ है, जहां ससुराल वालों ने दामाद को लोहे की रॉड से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना नालंदा जिले के थरथरी थाना क्षेत्र अंतर्गत अमेरा गांव में घटी है, जहां ससुराल में चचेरे साली से अवैध संबंध के कारण लोहे की रॉड से दामाद को पीट पीट कर साला, ससुर और बहनोई ने जान ले ली। मृतक थरथरी थाना क्षेत्र के वासडीह निवासी स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद का 35 वर्षीय पुत्र जितेंद्र कुमार है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी मुकेश राम को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के भाई रवि कुमार ने बताया कि 11 वर्ष पूर्व उसके भाई की शादी अमेरा गांव में हुई थी और ससुराल में इकलौती पुत्री होने के कारण वह घर जमाई बनकर वहीं बस गया। कुछ महीने पूर्व उसे भी पता चला था कि उसके भाई का चचेरे साली से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद वह उसे समझाने की कोशिश भी किया था मगर वह नहीं मान रहा था। उसकी पत्नी ने दोनों को बहुत समझाने का प्रयास किया मगर वह भी नहीं माना। इस बात की जानकारी जब साली के भाई और पिता को चला तो शुक्रवार की देर रात उसे बुलाकर धमकी देते हुए अपनी बहन से अलग रहने को कहा। इस पर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी और इसी बीच गुस्से में आकर पास रखे लोहे के खंती से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही थरथरी थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचकर सब को अपने कब्जे में लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले गए। थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि अवैध संबंध में हत्या की बात बताई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और एक आरोपी मुकेश राम को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर हम आपको नालंदा से बता रहे हैं, जहां नालंदा में रिश्ता कलंकित हुआ है और ससुराल वालों ने प्रेम प्रसंग में दामाद की लोहे की रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो।